सारे युवाओं का त्याग का जो फल है वो हकीकत में उनको मिल चुका है, और बहुत सारे युवाओं को निराश भी होना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करना आप लोग, आप लोगों का भी वक्त आएगा, आप लोगों का भी समय आएगा, अगली जो भर्ती है वो आप लोगों के नाम पर ही होनी है। आज सभी का रिजल्ट घोषित हो चुका है लेकिन फोन नहीं पहुंचे हैं। इस बार आर्मी अधिकारियों ने, स्वतंत्र मुख्यालय ने इस बार आप लोगों के लिए फोन कॉलिंग के माध्यम से सूचना अवगत कराई है, नेट पे नहीं डाला है। उसका कारण है, नेट पे इसलिए नहीं डाला है क्योंकि दलाली होती है महाराज, लोग रोल नंबर से और नाम से गलत फायदा उठाते हैं, लड़कों को गुमराह करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। दलाली से बचने के लिए आर्मी वालों ने बहुत अच्छा एक तरीका अपनाया कि हम उनको फ़ोन से बताएंगे, लेकिन लिस्ट तो जाएगी नेट पे, अभी नहीं, कुछ समय बाद, क्योंकि यही समय होता है जब दलाल सक्रिय होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, लड़कों को भ्रमित करते हैं, पैसे खींचते हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुभकामना देना चाहूँगा सभी दिल्ली के युवाओं को जिनके पास सबसे पहले फ़ोन गया। और मैंने परसों एक वीडियो डाला था कि कल आपका रिजल्ट आएगा, वो हकीकत में रिजल्ट तो कल ही आ चुका था आप लोगों का, लेकिन आर्मी की मर्यादा के लिए, आर्मी की गोपनीयता के लिए, और हमारा जो धर्म है, एक शिक्षा का धर्म होता है कि हमारी सैनिक कार्यालय की जो भी जानकारियाँ होती हैं उनको छिपा कर रखे, और हकीकत जो ज़रूरत है युवाओं के लिए वही बातें बताए, अन्य बातें हमें यहाँ पर नहीं करना। यूट्यूब के माध्यम से ये प्रत्येक युवा का और प्रत्येक टीचर का कर्तव्य होता है कि हमारी आर्मी की जो भी सूचनाएँ होती हैं उनका सम्मान करें। बकाया बंदों के पास फ़ोन नहीं गया है तो बहुत सारे बंदे परेशान हैं कि हमारे पास फ़ोन नहीं आया, हो सकता है कि हम डिस्क्वालीफाई हो गए हों। लेकिन एक खुशी की बात मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, इस बार उन्होंने जो मेरिट है बहुत गिरा दी है, बहुत सारे बंदों के नाम आएंगे। एक लड़के पर उनको दो लड़के एक्स्ट्रा बुलाना है, ध्यान रखना, तीन लड़कों में से एक लड़का उनको लेना है, तीन आवेदकों से एक धर्म शिक्षक उनको भर्ती करना है। तो आप समझ सकते हो कि 108 108 वैकेंसी हैं, और 108 वैकेंसी अगर 3x कर दोगे तो कितना होता है, लेकिन 108 वैकेंसी तो नहीं भरेंगे, तो हम भी जानते हैं थोड़ी कम भरेंगे, तब भी 250 से 300 के बीच में संख्या रह सकती है साक्षात्कार वालों की, जहाँ तक मुझे अनुमान लग रहा है। इसलिए आप लोग घबराएं मत, लड़के 400 450 जो लड़के नहीं थे, लड़के कम ही थे, तो ये मान लो कि 60 से 65% बच्चे इस बार क्वालिफाई हो सकते हैं। और एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ, एक बंदे का कॉल आया था और बोल रहा था कि सर हमारे जो नंबर थे बहुत कम थे, जो कि मैं बताना नहीं चाहता, यूट्यूब पर बताना अच्छा नहीं है, लेकिन वो बंदा क्वालिफाई हो गया। और जब वो क्वालिफाई हो गया तो बहुत सारे युवा, मुझे लगता है अनुमानित तरीके से, कि बहुत सारे बंदे क्वालिफाई होने वाले हैं, बहुत सारे बंदों के पास फोन जाने वाला है, और हो सकता है कि 3-4 दिन में आपका रिजल्ट नेट पर डल जाए, लेकिन अभी डलना ठीक नहीं है। और कई बंदों की जो जानकारी है कि 6 तारीख को साक्षात्कार है, ऐसा मुझे सुनने में आया है, लड़कों ने बताया है जो अपन से क्लास लेते हैं, लड़के बड़े खुश थे और हकीकत में बार बार धन्यवाद दे रहे थे कि गुरुजी आपकी कृपा से ये हुआ है, वो हुआ है, बहुत सारी बातें कर रहे थे। देखो भैया, हमारी कृपा से नहीं हुआ है, आपकी मेहनत और हमारी जो प्रेरणा रही आप लोगों के लिए, हमारा जो मार्गदर्शन रहा, उसका मिला जुला जो परिणाम है वो आप लोगों के सामने है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी युवा हैं, अब साक्षात्कार की तैयारी कैसे करनी है, ध्यान रखना, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, कल सुबह 10 बजे से हमारी क्लासें लगेंगी साक्षात्कार के लिए, सभी युवाओं के लिए। अगर आप चाहते हो कि साक्षात्कार के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो, इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हो। साक्षात्कार का एक अलग ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें बहुत सारे प्रश्न मैं डाला करूँगा, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और अपने जो वीडियो हैं वो वीडियो उसी ग्रुप में सबसे पहले जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखना एक बात और, लास्ट में फाइनली मैं कह रहा हूँ, जितने भी युवा हैं जल्दी में भावुक तरीके से सारी चीज़ें ना बताया करें एक दूसरे के लिए, अच्छा नहीं होता है। अपना रोल नंबर किसी को ना बताएं, कुछ बातें गुप्त में रखें, जो वास्तव में काम की हैं बताने लायक है वो ही बातें बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।